अस्सलाम वालेकुम तो हाय गाइस कैसे हो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे खैरियत संगे मज़े मे खुश होंगे इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को तो बाबा जी आप देख सकते हो कि टॉप सुहेल भाई जो हमारी लॉबी में आए थे आई गेस ये लोग रैंक पुश करते हैं और मिडिल में काफ़ी हाई रैंक पर बैठे होते हैं बेटिक फैशन थे मेरा प्लान मेरा प्लान नहीं आया था मेरा नाम नीचे आ गया था और आपको पता है जब भी किसी और का प्लेन आता है आप जो हो फाइट उस टीम से लेने के लिए काफ़ी जो है वो इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग फाइट होती है आपकी इस, आ, उस सॉरी मैं ना थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ पता नहीं क्यों आपकी हमेशा उस टीम से अच्छी फाइट होती है जिस टीम का प्लेन होता है ये मैं कहना चाह रहा था लेकिन चले आपको सस्ती शायरे सुनाते हैं अर्ज ये किया है कि इंग्लिश में कहते हैं हाथी उर्दू में कहते हैं वाह 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 नहीं मैंने गलत नहीं बोल दिया मुझे क्या हो रहा है भाई मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ एल एल लॉल इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट उर्दू में कहते हैं हती बोलो वाह 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 इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट उर्दू में कहते हैं हती इतनी लंबी लंबी छोड़ता है मेरा टीम मेट के मुझसे लपेटी नहीं जाती सस्तीमस तो वाइप कर देना और सबके सब, सब लाइक बटन जरूर दबा देना अब यहाँ पे ना इन स्क्वाड से ना जिनका प्लेन था ऐसी हमारी मजे मजे की फाइट हुई क्या आप लोग देख के हैरान हो चौके फोर्टी थ्री किल्स ऐसे नहीं हो जाते पब्लिक मिडिल की टॉप के लॉबी में जारो का रैंक भी एस मास्टर है मेरा भी एस मास्टर हो जाएगा इस गेम के बाद सर का भी रैंक इतना ही है तकरीबन तो बहुत अच्छी लॉबी आई हुई थी उमर भाई को हमने डाउन किया था लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लाइक बटन ज़रूर दबा देना और वीडियो को शेयर कर देना कामेंट में जो है आप अटेंडेंस लगा के प्रेजेंट लिख देना और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके स्क्वाड वाइप से कर देना पब्लिक अब ये टीम जिनका प्लेन था मुझ पर रश कर रही थी और एक मजदूर का एक बंदे का जो आ रहा था वो छत पर रहा था मुझे पता था वो सामने लाजमी जंप करेगा और ऐसे ही हुआ यहाँ पर मैंने लो करने की ट्राई की गन स्विच की उसके बाद बाबा जी ये जो हुआ ना अगर इस एक विक्टर के स्प्रे से हेड हेड मार के मेरे तीन नॉक करने पर भी आपको मजा नहीं आया तो भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से इसे कहते हैं कि मौत को झुके टक से वापस आ जाना टॉप फनी भाई टॉप सलमान भाई जो भी सलमान था शायद नाम उनका ना और एक और बटलर भाई था सुहेल था सॉरी सुहेल फनी और एक और था बुटर डी वी बुटर भाई को मैंने डाउन किया एक ही विक्टर के स्प्रे से ये क्लिप मैं हर जगह पोस्ट करूंगा तो आप लाजमी इसको शेयर करना और प्यार भी दिखाना है यार लाजमी इस वीडियो पे अपने दोस्तों को शेयर करके बोल देना चलो आप भाई की वीडियो नहीं देख रहे खाली जाके इस इस टाइम पे ये नॉक किए हैं बंदों को खाली वो टाइम देख लो जाके बस ऐसे आप बता देना छत पर आता हूँ पब्लिक ये गेम पर इतना मज़े का था कि आपने ना इस टाइप का गेम पर मेरा काफी टाइम से नहीं देखा होगा और इतने मजे मजे के नॉक्स निकाल रहा था मैं देखो अपने मेरे को बोला लो जाओ रश करो मैं यहाँ सबको कवर देता हूँ कवर देता हूँ मतलब हाँ कवर देता हूँ ये देखो एक और नॉकस निकाला बल्कि ये बंदा डायरेक्ट मर गया अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई इनको मैंने बोला भाई जल्दी जाओ मैं देख रहा हूँ यहाँ से कोई तो मैं मार नहीं पाएगा जाओ जरा भाई चीर फाड़ करके आओ जरा तो एनिमीज के कान के नीचे लगाओ उनको लॉबी भगाओ मेरे दोनों टीम चले गए और एक और बंदा छत पाया इसको मैंने डाउन किया एक और बंदा ने जम्प किया उसको मैंने डाउन किया अब एक ही बंदा बचा था ये तीफा का भी अब नाम नोट कर लेना इनसे भी ना हमारी दो बार फाइट हुई थी अब जो टॉप फनी वाले बंदे थे ना पब्लिक ये मजनू को भी हमने डाउन कर दिया जो टॉप फनी वाले और टॉप सुहेल वाले बंदे थे ना उन्होंने ना एक बंदा जो बिठाया हुआ था वो अपने रिकॉल पर बिठाया हुआ था अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अक्सर स्क्वाड यही कर रहे होते हैं वो एक बंदा जो है वो रिकॉल पर बिठा देते हैं हमारा कोई बंदा देखो रिकॉल विकॉल पर नहीं हम सब बंदे तीनों के दिनों साथ खिल के फाइट ले रहे थे वो तीन थे उनको मैंने तीनों को डाउन किया उनके चौथे बंदा जो रिकॉल टावर पर बिठाया हुआ था, था। उन्होंने उसको उन्होंने बाकी तीन को फिर से रिकॉल कर लिया और हमारी वो भी उनसे फिर से फाइट होने वाली है तो बड़ी बड़ी कोई जंग ही बन गई थी हमारी तो उनके साथ आप देखोगे आपको ही मजा आएगा उसके बाद फाइट हो रही थी पब्लिक सामने स्क्वाडोज में अब यहाँ पे भी दो टीम थी क्योंकि दो टीम जब उन्होंने लड़ रही थी तो हम यहाँ आ गए और यहाँ पे हमने कर दिया बाबाजी रश के देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा नाड़क अच्छे के लिए होगा धोती बुड़े के लिए होगा डायपर बच्चे के लिए होगा टेंशन नहीं लेनी बाबाजी वैसे मेरी टेंशन लेना बनती है क्योंकि साइलेंट खोती हमारे साथ खेल रही हो ये किसी काम की नहीं है आ, ना ये किसी नाम की है ये ना किसी काम की है बस ये हगने में सुबह और शाम की है वाह 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 वा, वा। ओहो भाई साहब विंडो में अपनी झलक दिखा रहे हो मेरी सिक्सटी नाइन भाई को हमने डाउन किया दूसरा बंदा भागा था और एक बंदा सामने वाले घर में था तो हमने भाई गैस के ब्लास्ट किया अकाल इस्तेमाल कर रहे थे पर अकल कुछ ज़्यादा हमारी इस्तेमाल हुई नहीं दोबारा से जम करके कर दिया रश के देखी जाएगी जो होगा हाँ हाँ पब्लिक पता है पब्लिक बी लाइक हाँ हाँ पता है अच्छे के लिए होगा कच्चे के लिए होगा बूढ़े के लिए होगा बच्चे के लिए हो जा बस कर जा भाई पब्लिक बी लाइक लाइक दिस ओ माई गॉड माई इंग्लिश इज़ वेरी ये साइलेंस हमारे अंदर घुसे और ये काम इनका हो गया बल्कि अभी नहीं नॉक हुए होंगे होंगे ये मजनू को हमने फिर से डाउन किया दूसरी बार मजनू मारा तो अभी यह वापस नहीं आने वाला क्योंकि जो मजनू है ना ये वही था जिनको हमने पार्ट वन में मारा था दो टीम मारी थी ना एक फ़नी वाली टॉप फनी और टॉप सुहेल वाली और एक मारी थी ये मजनू वाली टीम अब साइलेंट को मैं रेफ दे रहा था जारो की हेल्थ कम है और उसके बाद ये लोग अलग सर्च करते हैं तीफा का मैंने आपको कहा था नाम याद रखना ये तीफा भी दूसरी बार मरा मुझसे बेचारा और फिर से पब्लिक मैंने यहाँ पे रिवाइव दिया साइलेंट को क्योंकि हमारे साइलेंट सर जो है ना वो बड़ी जल्दी आ, नॉक हो जाते हैं फाइट्स में पर समाइम बहुत अच्छा भी खेल जाता है ऐसी बात नहीं है मैंने ना पब्लिक रिकॉर्डिंग रोक दी थी कुत्तों की आवाज़ें आई जा रही थी बैकग्राउंड से भा भा के भाई तो फिर मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रोक दी अभी बंदा बचा था पर भाई हम लूट रहे थे क्योंकि आपको पता था लूट का नो मजाक जहाँ लूट मिले लूट लो लूट लो लूट लो, लो। अब पब्लिक यहाँ पे बारा खेल अलहमद लाहमद लाहमद ला मेरे हो चुके थे और सामने भी बंदे थे जो कि अलग टीम जिनसे ये लोग फाइट ले रहे थे और फिर मैं ना सामने दौड़ा तोड़ा क्योंकि ऊपर से साउंड आ रहा था बंदे का नेट था मेरे पास जो कि लेटेस्ट क्रेट लूट के मैंने उसमें उस से उठाया था वो देखो रहे आपके थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है अरे लेटेस्ट क्रेट अरेट वर्ड अब यहाँ पे हमने आगे कर दिया रश तो यहाँ मेरे हिस्से में ना कुछ किल नहीं लिखे हुए थे वो ऐसे मैं अगर रश करके बंदे को मारने जाता हूँ अब वो देखना जो भाग रहा उसको लोग इतना किया ए ये जरा देखो भाई साहब और जब तक मुझे ना पता चला यहाँ बंदा मैंने गन चेंज की मुझे एक बंदा डाउन कर देता है क्योंकि उसका टीम चला गया था उसके टीम में मेरा फोकस था यहाँ एक बंदा एक और टीपी पे लेके खड़ा था उसने भी मौका देख के अच्छे टाइम में मुझे डाउन किया अच्छा मारा मैं गन स्विच करके मारने का मौका नहीं मिला अच्छे से पर जी जी भाई नॉक हो गया था मैं और उसका टीम जो बैकग्राउंड पर जा चुका था तो ये दो थे अब मैं हील कर रहा था और मैं अपने टीमट को बोला भाई खुद मत जा साइलेंट है नॉक फिनिश हो जाएगा तो नहीं भाई साइलेंट है हाँ साइलेंट है यस साइलेंट था नॉक फिनिश हो सकता था तो उसको बोला भाई आने दे एक बंदे को अब ज्यादा उसके साथ जा रहा था तो मैं हील कर रहा था क्योंकि कभी भी एक बंदा है ना वो आपको नॉक फिनिश लाजमी करेगा तो उसके साथ उसको मारने जा रहे हो तो अपने टीम को लाजमी लेके जाना चाहिए अब ये दोनों राइट से पुश कर रहे थे मैं लेफ्ट से पुश कर रहा था हमने ना उसको बीच वाली साइड में घुसका के फंसा दिया था और ये देखो मैंने जरा आकाश कुमार की थोड़ा सा प्रीफर दिया और मेरा प्रीफर उसको पड़ता है पर भाई एक गोली मार के ज़रा उसको डाउन कर देता है लेकिन खैर बाबा जी दो बंदे तो दोनों का मुझे किल नहीं मिला उसके बाद हम लूट वगैरह करते हैं लूट वगैरह करने के बाद अपनी टस यानी अच्छा मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा आप लोग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हमने इसका नाम क्या रखा था भूल गए ना आप लोग भूल गए सारे के सारे भूल गए भाई सही ढीली एनोनिमस की पब्लिक हो गई आप लोग बदाम नहीं खाते मैं भी अपने लॉ भूलता जा रहा हूँ आप भी हमारी बातें भूलते जा रहे हो भाई ये वही टीम थी जिनका प्लेन आया था और यहाँ एक बंदे को जो मार के किल उठाया चुराया सॉरी उसके बाद जिन जिस भाई को मैं दो बार डाउन कर चुका हूँ एक बार डाउन किया था दूसरी बार फिर से नॉक कर दिया टॉप वन सुहेल भाई को साइलेंट नॉक हो चुका है यहाँ पे और जहरोग आगे चला जाता है जहरों आगे जाना अकेले वो थोड़ा सा गलत सीन था और जहरोग नॉक हो जाता है उसको फिनिश कर देते हैं ये लोग अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मुझे नींद भी आ रही है फिर मैं सैलेंट को बोलता हूँ भाई मैं ना इनको देख रहा हूँ ट्राई करूंगा रोक के रखूँ या जो भी सीन है जा तुझारोक को रिकॉल करो और तुम लोग मेरी कवर के लिए फिर आओ मैं यहाँ से दोनों के दोनों हम जाने नहीं चाहते थे हो सकता था ये लोग स्प्रे देते और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती तो मैं अकेला इनसे फाइट ले रहा था पब्लिक देखो पहले मैंने इनको अकेले मारा ठीक है दोबारा मैं फाइट लेने लगा यहाँ पे अकेले फ़ाइट ले रहा हूँ और अकेले फ़ाइट मैंने अपने दिल से और बड़े तरीके से लिए साइलेंट को बोला था भाई जल्दी जाके रिकॉल कर हमें ये फाइट जीतनी है ये लोग रिकॉल होकर वापस आ चुके हैं और ये पुश भी कर रहे थे पब्लिक अम मेरी तरफ इनको पता था मैं अकेला यहाँ पर हूँ एक टीम इन्होंने मार दिया एक रिकॉल देने चला गया तो किसी भी मतलब अकल वाले को या बेवकूफ़ को कोई भी होगा उसको पता चल जाएगा भाई बंदा अकेला है तीन ही थे ये आ जाओ चलते हैं अब यहाँ पर ना ये तीनों करने लग जाते हैं मुझ पे पुश और ये पुश जो था रोकना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये लोग हाइट पर थे और मैं लो ग्राउंड पे था अब थोड़ी सी रिस्क का कवर था पर हाइट वालों को मारना हमेशा मुश्किल रहता है आपको पता है हाइट एडवांटेज होता है पबजी में हमेशा मैं पीछे पत्थर पे जाने का सोच रहा था पर वो थोड़ा सा रिस्की था पत्थर पे जा नहीं सकते थे एक नॉक मैंने निकाला पब्लिक ने मुझे बताना जरा ये नॉक कैसा था ये मैंने फ़ौरन से कवर में आ गया मैंने गन स्विच की और ये वाला नॉक कैसा था जरा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ए ऐसे कैसे बाबा जी कान के नीचे लगाया टॉप फनी भाई को बकरा बनाया अब इनके दो बंदे और रह गए हैं पब्लिक तो इनके दो बंदे पुश कर रहे थे एक तो टॉप सु हेल भाई थे वो पीछे था पीछे वाले को जैसे मैंने देखा मैंने ना गन स्विच की पब्लिक उसको मारा उसको हेड शॉट मेरे लगता है पर ये क्लोज वाला बंदा जो है ना ये मुझे आके डाउन कर देता मुझे दूर वाले को नहीं मारना चाहिए था ये मेरी गलती थी अब इसने मुझे डाउन किया नाम तो पढ़ लिया होगा भाई ने आके फ़ौरन से कर दिया फिनिश कोई बात नहीं भाई आ, मैंने आपको दो बार डाउन किया आपने भाई यहाँ पे अकेला में था तो आप लोगों ने पुश करके मुझे नॉक फिनिश कर दिया कोई बात नहीं हम आपसे बदला लेंगे जरूर लेंगे सैलेंट मुझे रिकॉल करता है क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉल वाली जगह पे था जारोक रिकॉल हो चुका था मैं वापस आता हूँ और मैं वापस वहाँ आया जहाँ हमने बंदे मारे थे और बंदे मार के उनकी क्रेट्स जो है वहाँ पर पड़ी हुई थी अब जाहिर से जाहिर सी बात है पब्लिक हमें लूट की जरूरत थी जारोक अकेला वहाँ फंसा हुआ था उनसे फाइट ले रहा था जारो ने उनका एक बंदा मार भी दिया था और हम दोनों को जल्दी से जल्दी जारोक की कवर के लिए पहुँचना था तो मैंने यहाँ पे साइलेंट को बोला भाई तू जल्दी से जारो के पास पहुँच मैं अलग एंगल से फाइट देता हूँ तो जारो की कवर के लिए साइलेंट वहाँ पे चला गया और मैं अलग एंगल बना के पब्लिक जो यहाँ पे बंदा मेरे टीममेट्स को अलग एंगल से मार रहा था मैंने उस बंदे पे भी एंगल बनाया और एम्फो निकाली और आके कर दिया इनको डाउन एले 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 मेरा बाबू मेरा छोना खबर को मैंने डाउन कर दिया और जो टॉप सुहेल भाई थे ना वो के टंकी के पीछे चले गए कवर में और यहाँ पर देते थे रिवाइव फ़नी को भी डाउन कर दिया जारोक ने तो दो बंदे इनके जारोक ने इस बार डाउन कर दिए थे और अब टाइम था रश करने का तो वह हमने कर दिया रश के देखी जाएगी जो अच्छे के लिए होगा के लिए होगा धोती बूढ़े के लिए होगा डापर बच्चे के लिए होगा टेंशन नहीं लेनी बाबा जी मेरे टीमर्स आ, उस तरफ से रश करने आ चुके हैं इस तरफ से रश करने आ चुका हूँ और यही टाइम है कि इनकी आ, जो है ताकतवर टीम को तोड़ा जाए और इनको लॉबी भगाया जाए कान के नीचे लगा के अब फिर से हमने रश किया पहले भाई मैंने अकेले ने मारा था इनको अब मेरी टीम ने मिल मेरे साथ इनको मारा वो सुहेल भाई बचे थे प्लेन वाले हमने रश किया और कर दिया डाउन। ऐसे कैसे बाबा जी कान के नीचे लगाया लॉबी भगाया बकरा बनाया और फिर क्रेट से माल उठाया बड़ा मज़ा आया सस्ती शायरी विद विदिमस ठोको लाइक बटन मेरी पब्लिक अगर आपको फाइट देखने में मज़ा आया हो आपने इन्जॉय की हो उसके बाद अब हमें जाना था बंदे ढूंढने के लिए हमारे सोलह किल हो चुके थे जो कि बहुत अच्छे किल हैं इस मास्टर लॉबी में और उसके बाद हम आ जाते हैं यास नया पोलियाना जो कि था हमारा इस्लामाबाद अब हमारे जो है वो ड्राइवर साहब थे जारोक भैया जा, जिनकी ड्राइविंग एकदम साइलेंट है मतलब एकदम शिट है आप समझ जाओ ना एकदम पॉटी ड्राइविंग कर रहे थे ये देखो पहले उधर जा रहा था फिर इधर जा रहा था फिर फ्यूल नहीं था और फिर इसने जाके ठोक दिए दोबारा से घासों में भाई साहब फिर मैंने बोला भाई छोड़ो ज़रा हम पैदल ही चल लेते हैं पैदल भग रहे थे तो बंदे भी साथ साथ ढूंढ रहे थे क्योंकि हमें थोड़े और किल चाहिए थे तो जोन यहाँ से जा चुका होता है ऐसे भी और सामने वाली साइड पर जहाँ पे आप मैप में देख सकते हो फायर हो रहा था तो वहाँ पे बंदे थे तो हमने कर दिया रश और मैं चाहता था कि मेरे किल्स जो जा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं पब्लिक क्योंकि बहुत कम ऐसे मौ 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 मौके होते हैं जब आपको शुरू में अच्छे किल मिल जाते हैं और जब आपको शुरू में अच्छे किल मिल जाते हैं आपके तो पास एक अच्छा यूनिक मौका होता है ज़्यादा किल उठाने का तो मैं यही ट्राई कर रहा था कि मेरे शुरू में इतने अच्छे किल थे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा किल उठा सकूँ भाई ये नॉक वाले बंदा को मैं फिनिश कर रहा था लेकिन ये पिंटू आगे आ जाता है और पिंटू जो है वो उसको पिंटू को गोलियाँ लगती है और नॉर जो नॉक वाला बंदा था किसी और ने नॉक किया हुआ था वो ब्लीड आउट हो जाता है तो एक के लिए मुझे मिलता है जहाँ जहाँ पे दो मिल रहे थे पिंटू की वजह से और फिर हमने रश कर दिया आगे वाले घर में ना पब्लिक एक और बंदा था जैरो को साउंड आता है मैं जैरो को बोलता हूँ भाई रुक मैं आ रहा रो और वो बंदा ना खुद ही बल के बाहर आ जाता है तब तक तो हमने एम को तो फोनशियल उसको डाउन कर दिया इसका नाम डब्ल्यू डी एक्स और क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ नाम था फिर हमने लूट वगैरह की टैप टैप करके भाई फटाफट पेट भर के लूट की अब जोन यहाँ से क्योंकि जा चुका था तीन सौ मीटर था सर सर्क, सर्कल भी छोटा था और छोटा सर्कल आपको वैसे बहुत डैमेज देता है और छोटे सर्कल से आपको डरना भी चाहिए तो हम भगलिए जोन में गाड़ी हमारी बहुत पीछे रह गई थी फ्यूल उसमें था नहीं तो पैदल ही जोन जाना पड़ा और एच पे में पहुँचा तो जोन मुझे टच हो गया था थोड़ा बहुत डैमेज भी दे रहा था लेकिन जैसे तैसे भाग के हम लोग जोन में पहुंच जाते हैं अठारह किल थे मेरे अलहमदिल्ला सतारा बंदे अलाइव थे तो बीस से पच्चीस किल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे ज़्यादा भी किल हो सकते थे पर गाड़ी नहीं है तो अब हम रश करके नहीं खेल सकते डेफिनेटली तो इसलिए अब चांसेस जब वो कम हो गए थे ज्यादा किल्ल करने के अब पब्लिक यहाँ पे किल्स उठाना काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि दूर दूर, दूर, दूर दूर बंदे थे उसके अलावा मेरे पास स्नाइपर भी नहीं थी अगर बंदे दूर हो स्नाइपर से आप फिर भी किल उठा सकते हो और एम और साथ में भाई साहब सामने बंदे थे मैं टीम नॉक किया था

उसके बाद पब्लिक में ढूंढने लगा बंदा पर बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा था दिस इज वेरी सैड थिंग बैड थिंग वाह भाई साहब इसको हमने मारा एक गोली लगी पर मेरे टीम ने यहाँ पे फ्लाइंग ग्री, डर ऐसा कुछ नाम था भाई का और यहाँ एक बंदा आ रहा था वो बेचारा जोन से मर गया तो फाइट रह गई थी पब्लिक थ्री वी फोर की इक्कीस किल मेरे अलहमदिल्ला हो गए थे और ये थ्री वी फोर की फाइट थी ना इसमें मैंने अपने टीम को बोला था भाई मैं मारता हूँ इन चारों को हम जोन में मैं ये किल उठा के अपने पच्चीस किल करने की ट्राई करूंगा और यहाँ पे ना Uh, मैंने साइलेंट को बोला भाई तू तो हेलमेट उसे उतार के बार बार नॉक दे ठीक है ताकि ये ओपन में रश करें और हम इनको मारें और साइलेंट ऐसे ही कर रहा था कि हेलमेट उसे उतार के खड़ा हो गया ज्यादा के पास ही बैठा हुआ था बार बार उसको रिवाइव दे रहा था और ये बंदे ना आगे पुश किए जा रहे थे वरना पुश ही न करते दोनों से मर जाते बार बार साइलेंट को हम कह रहे थे नॉक हो जाए नॉक हो जाए और वो हेलमेट उसे उतार के नॉक दे रहा था ज़्यादा उसको फ़ौरन से रैप दे रहा था और मैं बंदे चारों को मारने की ट्राई कर रहा था तो ये हमारा प्लान था बग्गी जाती है यहाँ से निकल के एक लेफ्ट साइड पे इनके पास गाड़ी नहीं थी एक ही बग्गी थी वो भी एक सोलो बंदा लेके लेफ्ट पर आ गया था पर मुझे नहीं पता उसने बगी ज़ाया क्योंकि क्योंकि बगी थी तो भाई एक को बिठा के स्मोक फेंक के जोन में ला सकता था पर ये जोन में भी नहीं गया बगी भी दूर लेके अपने टीमेट से या मैं बंदों को डाउन करता फिर मुझे कौन नजर आता है बंदा लेकिन पब्लिक यहाँ मैं नीचे गिर जाता हूँ और जोन भी नहीं होता यहाँ पे मुझे लगा बस भाई ये जो मेरा सपना था ना मेरा ड्रीम था मेरा ख्वाब था कि मैं 25 किल्स के आसपास किल कर लूंगा और हमारे टोटल किल्स जो मुझे आइडिया भी नहीं था कि 43 चले जाएंगे वो जाया होता नजर आ रहा था तो मैंने एक फर्स्ट एड लगाया फर्स्ट फर्स्ट लगा के मैं दोबारा भागा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा पहुंच गया अगर इस सर्कल टच हो जाता ना फिर मैं मर जाता फिर एक और को मैंने पे डाउन किया काशिफ जट को और मेरे टीममेट्स जब वो साथ साथ मेरे किल कंफर्म भी करते जा रहे थे ये वाला किल तो आएगा जोन के बाहर कंफर्म हो गया था एक और बंदा मुझे नज़र आया नहीं ये देखो अब उन्होंने कंफर्म कर दिया तो इसका लिए मैंने किल बोला भाई कंफर्म कर दो यहाँ स्मोक मैंने नॉट किया वो किल भी मेरा कंफर्म हो गया दो बंदे और बचे थे तेईस किल हो गए थे मेरे टीम्स को ना वो खुजली हुई कि भाई जाके पैन करते हैं तो ये स्मोक वो स्मोक वगैरह करके आगे पैन करने के लिए जा रहे थे और मैं लेफ्ट से नेट वगैरह करके किल उठाने की ट्राई कर रहा था यहाँ पे जारुक को नॉक पड़ जाता है ये पैन करने जा रहा था तो साइलेंटर और मैं ही बचे थे अब टू वी टू की फ़ाइट हो गई थी तो मजाक मजाक जो था वो काफ़ी सीरियस वाला सीन हो गया था दूसरा नेट मेरा जेट्टो जेट्टो को डाउन करता है फिर मैंने एक और माली है की और उसके बाद खड़ा हुआ जैसे ही बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है उसको डाउन किया और ऐसे ना हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर मेरी या की पब्लिक वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करके याद ये ना आप बात सुनते हो पर मानते नहीं हो लाजमी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना कोई बात बड़ी लगे तो माफ़ कर देना अच्छी लगे तो इसे प्यार करते रहना सपोर्ट करते रहना और प्लीज़ 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 प्लीज, दुरूद शरीफ पढ़ना दरूद पाक पढ़ना और कमेंट में डन या अल्हम्दुलिल्लाह डन लाजमी लिख देना ये हमारे ना सबके अपने अपने सवाब के लिए होता है मैं ये नहीं बोलता है कि आप मेरे स्वाब के लिए पढ़ो या मेरे किसी रिश्तेदार के, के स्वाब के लिए पढ़ो नहीं भाई आप अपने अपने स्वाब के लिए पढ़ा करो एक बार ताकि हमारी वीडियो भी हो जाए और साथ में स्वबाब का काम भी हो जाए उसके अलावा अभी मैं आपको रैंक दिखा देता हूँ किल दिखा देता हूँ ये देखो मेरे सिक्सटी फाइव प्लस हुए थे और मेरा एस मास्टर लग गया था और उसके अलावा आपको पता है हम यहाँ पे डबल कॉन्करर भी कर चुके हैं इसी सीज़न में और अब स्क्वाड में एस मास्टर भी कर चुके हैं जल्दी खेल खेल के रश हमारा एस डोमिनेटर भी शायद हो जाए बाकी शायद नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा स्क्वाड पूरा बना के स्क्वाड में कॉन्करर करूँ तो एक अलग मज़ा आएगा आप लोगों को आप मेरे किल्स भी टोटल काउंट कर सकते हो अभी एंड में आ जाएंगे मिलेंगे इन में कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दुआ में रखना दिल से लव यू मेरी नानी की पब्लिक आप सबको गिली चुम और बहुत बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार अल्लाह हाफेज़